Hello students, in today's class we are going to see 9th standard English 4.5 that is Tansen. So इसमें हम देखने वाले हैं डिटेल में इसका पूरा आपके डाइजेस्ट का आंसर है पूरा, तो फटाफट देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है. सो इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं डाइजेस्ट आंसर्स, तो आप देख सकते हो उसे भी. 9 जेम स्टोरीज एसोसिएटेड विद देम, तो यहाँ पे देखो दिया गया है अबुल फजी, इब्न मुबारक, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान, खाने खाना, राजा वीरबल, ठीक है ये सारे हैं. पैराफ्रेज है इस पोएम का, देख लीजिए यहाँ पे. जिन बच्चों को नहीं समझ में आया रहेगा वो इसे देख के समझ सकते हैं. अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा. चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. क्वेश्चन पेपर जो भी मुझे मिल रहा है मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेपर लेट हो रहा है तो इसलिए पेपर लेट मिल रहा है. तो जिन बच्चों का 3 से एग्ज़ाम होगा या 1 से, उनके लिए तो हेल्पफुल होगा, बट जिनका हो रहा है तो परेशान ना हो. मैं यहाँ पे डाइजेस्ट आंसर सारे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होगा. आप पढ़िए जो आपको टिक मार्क कराया गया है. हाउ डिड अकबर रिवॉर्ड तानसेन फॉर द एक्स्ट्रैटिक इफेक्ट ऑफ हिज सिंगिंग, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से उन्हें अवार्ड रिवॉर्ड किया तानसेन को, उन्हें इनकी तारीफ करके, ठीक है. उन्हें बहुत सारा ज्वेल्स देते थे और उन्हें क्या बोलते थे वो चीफ ज्वेल इन हिज डायडम, जो नवरत्नों में से इनको मुख्य मानते थे. वॉट हैपन टू तानसेन वेन ही सैंग, जब दीपक राग गया तो क्या हुआ, तो पूरा तानसेन जब उसकी जो बॉडी थी पूरी जलने लगी, ठीक है, जैसे एक पायर जलता है, ठीक है, जैसे चीता जलती है. हाउ डिड ही तानसेन कम बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल कैसे हुए, तो हमें पता है जब मल्हार राग गाया गया, जब वो एक लड़की आती है गाती है तो पूरा कोल्ड वाटर उनके ऊपर ऐसा लगता है गिरता है, तो वो ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं. वॉट डज द इंस्टिट्यूट टेल अस अबाउट तानसेन सिंगिंग, तो ये तानसेन सिंगिंग के बारे में क्या बताता है, होल हार्टेड सिंपली मैचर एंड डिवाइन. पोएट्रिक डिवाइसेस हैं यहाँ पे, पिक आउट द राइमिंग पेयर्स, देखो यहाँ पे कोट फोर राइमिंग वर्ड्स, बेल्स, टेल्स, जेम, डायडेम, हिज वॉइस रैंग लाइक द साउंड ऑफ सिल्वर बेल्स, पिक आउट द एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में क्या है सिमिले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉइस को कंपेयर किया गया है सिल्वर बेल्स से, लाइक यूज़ करके, तो हमें पता है सिमिले लाइक एज इस तरीके से कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. किसने किससे कहा, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है. क्लियर है, जूम इन करके भी देख लीजिए. तानसेन ने क्या बताया अपने टीचर के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो गुफाओं में रहते हैं हिमालय के, और वो ये जो अनवर्दी जो फालतू की जो भीड़ है दुनिया की, इससे दूर रहते हैं, और वर्ल्डली वेल्थ से जो दुनिया की प्रॉपर्टी वगैरह से उनको कुछ लेना देना नहीं है, और वो किसी भी राजा के सामने नहीं गाते. और तानसेन ने सजेस्ट करते हैं कि इट वुड बी बेटर फॉर अकबर टू मीट हिम एज अ पुअर स्लेव, अगर वो गुलाम की तरह चलेंगे, दास की तरह चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. वाई अकबर चेंज हिज किंगली अटायर, क्यों चेंज किया उसने अपने कपड़े, तो रीज़न, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गिव रीज़न, अकबर हैड टू ड्रेस लाइक अ स्लेव, तो रीज़न बताना है. तो दोनों का ही आंसर ये होगा, अकबर पूरी तरीके से मतलब बहुत ही बैडली मिलना चाहता था तानसेन के टीचर से, उनको गाते हुए सुनना चाहता था, और इसीलिए टीचर मतलब कि वो राजा के लिए नहीं गाते, इसीलिए तानसेन ने उन्हें सजेस्ट किया कि ये अच्छा होगा अगर वो पुअर स्लेव की तरह चले, दास की तरह चले. इसीलिए अकबर ने अपने पूरे अटायर को चेंज किया, गरीब आदमी बन के गए. इसका भी ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है. अकबर स्ट्रांगली डिजायर्ड टू हियर उस्ताद द टीचर सिंग, अकबर वॉज, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, अकबर वॉज इंट्रेप्चर्ड विद तानसेन सिंगिंग, और उसने कहा कि तानसेन के टीचर कितने ज़्यादा डिवाइन होंगे जिससे उसने ये सीखा है, जिससे उसने कोचिंग ली है. सो अकबर उस्ताद की सिंगिंग को फील करना चाहते थे, और इस तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा गया कि उस्ताद एंड सो ही स्ट्रांगली डिज़ायर टू, इसीलिए बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी कि वो उस्ताद को सुने. पोएट्रिक डिवाइस यहाँ पे देखो, राइमिंग वर्ड्स हैं स्लैब, कैफ, फीट, स्वीट, लॉन्ग सॉन्ग, राइम स्कीम है ए ए बी बी सी सी,
दे नेल्ट एंड प्रेड विद सप्लिकेशन स्वीट पिक आउट एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन अल्ट्रेशन रिपीटेशन साउंड ऑफ एस इन्वर्जन क्या है द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज दे नेल्ट एंड प्रेड विद स्वीट सप्लिकेशन मतलब जो उल्टा सेंटेंस है घुमा फिरा के यहाँ पे देख लीजिए किसने किससे कहा वो वाला है हु सेड टू हुम What was the magical effect of stars rendering the Malkaus raga? तो देखो जब मलकाउस रागा गाया उस्ताद ने सो बर्ड्स बीस्ट सब चारों तरफ से इकट्ठे होने लगे और चहचहाने लगे और इंचांट करने लगे मतलब एक साथ सॉन्ग के साथ में वो भी इंचांट करने लगे अकबर फेल्ट वेव्स ऑफ हेवनली रैप्चर एकदम स्वर की जैसा उसको फील हुआ उसने फील किया कि जैसे उसकी सोल जो उसकी आत्मा थी वो भी पूरा एकदम खुश हो गई है फील्ड विथ डिलाइट खुशी से भर गई है What happened before Akbar could come out of his trance? उस्ताद had vanished, गायब हो चुके थे उस्ताद अकबर जब अपने मतलब ट्रेंस में आया जब उसने मतलब थोड़ा हो इस अब जो खुशी से एकदम भर गया था एकदम मगन हो गया था आँख बंद करके जब उसने होश में आया तो देखता है वो गायब हो चुका था Why did Tansen singing not produce the same effect as that by उस्ताद Tansen singing did not produce the same effect as that by उस्ताद because Tansen sang to Akbar. तानसेन अकबर के लिए गाते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए जबकि उस्ताद भगवान के लिए गाते हैं इसलिए वैसा वो गाते हैं इतना अच्छा वॉट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू दिस नरेटिव पोएम तानसेन द पोएट पोएट यहाँ पे विश करते हैं टू कन्वे दैट वन कैन रीच ग्रेट हाइट्स इन वन्स फील्ड इट वन बिकम्स अनवर्दली एंड डिवोट्स वन्स टैलेंट टू समवन और समथिंग हायर दैन मेयर ह्यूमन बीइंग्स रीज़न अपने आपको अपने से लिखना है आपको आफ्टर द सॉन्ग उस्ताद हैड वैनिश गाना के बाद वो गायब हो गए क्यों ऐसा उस्ताद वैनिश चले गए क्योंकि बिकॉज ही प्रोबेबली डिड नॉट वॉन्ट टू हियर एनी प्रेज वो कोई तारीफ़ नहीं सुनना चाहते थे या कोई और भी ज़्यादा किसी की डिमांड नहीं सुनना चाहते थे कि और भी कोई डिमांड करे वो गाएँ इसलिए वो गायब हो गए ऐसा अपनी सोच दिया गया आप अपने तरीके से लिख सकते हो उस्ताद सॉन्ग वॉज मोर इलेटिंग दैन तानसेन सॉन्ग इसका रीज़न क्या है बिकॉज तानसेन सॉन्ग बिकॉज तानसेन सैंग टू अकबर अकबर के लिए गाते थे ह्यूमन बींग के लिए गाते थे जबकि उस्ताद भगवान के लिए गाते थे ये सेम क्वेश्चन आ चुका है पोएट्रिक डिवाइस यहाँ पे देख सकते हो रिट्रेशन रिपीटेशन द साउंड लेटर आर यहाँ पे ना रैप्चर रोल तो रैप्चर में भी आर रोल में भी आर अप्रिसिएशन ऑफ पोएम यहाँ पे दिया गया है टाइटल पोएट और यहाँ पे देखिए दिया गया पोएम इसका पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा आर्केइक वर्ड्स मॉडर्न इक्विवेलेंट्स तो यहाँ पे देखो पुराने जैसे योर के लिए था यूज़ किया जाता था योर्स के लिए थाइन इट वेयर के लिए ट्वेयर ओवर के लिए और यू के लिए दी ये सब पुराने इंग्लिश वर्ड है और ये मॉडर्न समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन 8 to 10 लाइन्स हाईलाइटिंग ओनली द मेन पॉइंट्स तानसेन सिंगर थे जो कि अकबर के कोर्ट में वो एक सिंगर थे एक दिन उन्होंने दीपक रागा गाया तो अकबर इंटरप्चर्ड हो गए लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो उनके टीचर से मिले जो कि तानसेन मतलब कि तानसेन इतना मैजिकली गाते हैं तो वो कितना मैजिकली गाएंगे हाईवर जो टीचर थे वो हिमालय में रहते थे ठीक है दुनिया के जो सुख आराम थे उससे छोड़ के तो अकबर ने कपड़े स्लैब के पहने और वो तानसेन के टीचर से मिलने गए और उनकी रिक्वेस्ट पर उस्ताद ने गाना मलकोस रागा गाया और अकबर ने फील किया कि जैसे वो हेवन में ट्रांसपोर्ट हो गए मतलब हेवन में चले गए हैं और उसके बाद वहाँ से उस्ताद वैनिश हो चुके थे अकबर ने तानसेन से पूछा कि इतना म्यूजिकल कंपोजिशन था जिन्होंने जो गाया
तानसेन ने क्या रिप्लाई किया कि, मतलब उन्होंने पूछा कि कैसे गा सके वो इतना अच्छा, तो तानसेन ने रिप्लाई किया कि ही कुड नॉट फॉर ही, वो उन्होंने तानसेन अकबर के लिए नहीं गाया है, तानसेन सैंग द टू अर्थली किंग्स, तानसेन ने बोला कि वो अर्थली किंग्स के लिए नहीं गाते, वाइल ही उस्ताद सैंग टू गॉड, उस्ताद सैंग भगवान के लिए गाते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो दिया गया है डायरेक्टली आंसर्स दे दिए गए हैं, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से मैच कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे पूरा हमारा खत्म होता है, जो भी डाउट है कॉमसिंग पूछे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, और ये यहाँ पे पूरा मैंने आपको बता दिया है, इसके पहले के सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आपके राइटिंग स्किल्स हिंदी के मराठी के सब अपलोडेड हैं, आपको इंग्लिश का चाहिए राइटिंग स्किल या ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी तो आप कमेंट में बताइए।